देश में 11 मई को होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने पहुंचे पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ आज के दिन को शायद ही कभी भूल पाए। मुशर्रफ आज इस्लामाबाद की अदालत में पहुंचे तो थे अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो मुशर्रफ के लिए शर्मिंदा कर देने वाला था। अदालत ने जैसे ही मुशर्रफ की याचिका खारिज करते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया तो वो अदालत से भाग खड़े हुए। मुशर्रफ अपने सुरक्षा गार्डों के साथ अपनी बख्तरबंद गाड़ी में बैठे और फरार हो गए। इसके बाद तो अदालत में मुशर्रफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जो उसकी बेल पिटीशन है वो डिसमिस की है और उसमें 780 लगाया है और उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर किया वहाँ पे। वहाँ से वो आईओ उसके गिरफ्तार करने के लिए आगे लपका है, लेकिन इसे सिक्योरिटी एजेंसियों ने वहाँ से भगा के और रेंजर की हिफाजत में उसे वहाँ से कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि इसको गिरफ्तार किया जाए वहाँ से वो फरार करा के ले गए हैं उसे। उधर मुशर्रफ के प्रवक्ता रजा बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति के जान को खतरा है और वो कानून के मुताबिक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया कि मुशर्रफ फरार हो गए हैं। वैसे कोर्ट से फरार होने के बाद मुशर्रफ सीधे इस्लामाबाद के चक शहजाद इलाके के अपने फार्म हाउस में पहुंचे, जहां वो वकीलों से सलाह ले रहे हैं। दरअसल मुशर्रफ चाहते हैं कि उनको घर पर ही नजरबंद कर दिया जाए। जानकारों के मुताबिक सब कुछ सेना पर ही निर्भर करता है कि अब आगे क्या होगा। उन्होंने उल्लंघन किया, जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई, लोगों को मास मूवमेंट को सप्रेस किया है, लोगों को जेल भेजा है, बहुत से लोग मारे गए हैं। इनके ऊपर बेनजीर भुट्टो के भी हत्या का केस इनके खिलाफ है, उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट नजर आता है कहीं ना कहीं। तो इनको सजा तो मिलनी थी, ये सही बात है, जुडिशियरी ने जरूर को भी, लेकिन मैं समझता हूँ इनको अभी भी आर्मी इतना तो कम से कम इनको डिफेंड करेगी कि इनको सजा न मिल नहीं पाए। मुशर्रफ के खिलाफ ये मामला 2007 का है, जब उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इमरजेंसी लगाकर चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिकार सहित 60 जजों को बर्खास्त कर नजरबंद करवा दिया था। उनके सत्ता से हटने के बाद मुशर्रफ पर केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनकी अग्रिम जमानत नामंजूर कर गिरफ्तारी का आदेश सुनाया। जानकारों का मानना है कि अदालत का सख्त रुख मुशर्रफ के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान की फौज ने उनको कुछ एश्योरेंस दिए हो कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या कुछ। अब ये आगे के जो हालात हैं वो पूर्णतः जनरल कयानी के ऊपर निर्भर करते हैं। अब उनका जो भविष्य है वो काफी हद तक जनरल कयानी और फौज के ऊपर डिपेंड करता है, बट जनरल कयानी भी वही करेंगे जो फौज का सेंटिमेंट होगा। वैसे इससे पहले पाकिस्तान की विभिन्न अदालतों ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को संसदीय चुनाव में खड़े होने से अयोग्य घोषित कर दिया था। मुशर्रफ राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में राजधानी इस्लामाबाद सहित 4 संसदीय सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी मुराद पूरी नहीं हो पाई। अब आने वाले समय मुशर्रफ के लिए काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।